गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग इसके पहले जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, हम लोगों ने स्ट्रेटेजी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया था और आप उस चैप्टर को रिवीजन करके उसमें एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए, फिर जो डाउट हो तो उस डाउट को हम लोग अलग से देखेंगे। अब इस यूनिट का हमारा एक लास्ट चैप्टर बचा है, क्योंकि फर्स्ट जो चैप्टर था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज उसको कंप्लीट किया था, उसके बाद सेकंड चैप्टर स्ट्रेटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन को कंप्लीट किया एंड द थर्ड वन चैप्टर इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का कुछ रिलेशन जो है वह हमारे 11th के जो बैक्टीरिया और फंगाई हैं उससे थोड़ा सा कनेक्शन है। वहां पे हम लोगों ने बैक्टीरिया और फंगाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था, हैबिटेट देखा था, स्ट्रक्चर देखा था और फिर उससे रिलेटेड डिजीज को देखा था या उससे होने वाले बेनिफिट को देखा था, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देखा। यहाँ पे हम लोग वैसे माइक्रोब्स की स्टडी करेंगे, वैसे माइक्रोब्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिससे हमें कुछ बेनिफिट मिलता है, यानी उससे कुछ प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं। माइक्रोब्स को हम सभी जानते हैं कि अर्थ पे एक मेजर स्पेस को कवर करता है और माइक्रोब्स सभी जगह है। माइक्रोब्स जो है वो एयर में भी है, माइक्रोब्स सॉइल में भी है, माइक्रोब्स वाटर में भी है, इवन हमारे बॉडी के अंदर भी माइक्रोब्स है। हम एक लिविंग बॉडी होते हुए भी हमारे बॉडी के अंदर कोई दूसरा लिविंग सरवाइव कर रहा है, दिस इज द अमेजिंग। ये क्या है, एक सरप्राइज है नेचर का कि एक लिविंग बॉडी के अंदर में दूसरा लिविंग बॉडी सरवाइव कर रहा है और दोनों को उससे फायदा भी हो रहा है। तो यह एक तरह का सरप्राइज है किसके तरफ से, नेचर के तरफ से। तो ये सारे चीज जो रिलेटेड बातें हैं हम लोग यहाँ पर उस वही चीज को डिस्कस करेंगे। तो हम जैसा कि जानते हैं कि माइक्रोब जो है, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन ऑल, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन सॉइल वाटर एयर इनसाइड ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर में भी है माइक्रोब्स इनसाइड ह्यूमन बॉडी। फिर साथ ही साथ आप ये देखो they also survive on animals या गीजर, ठंडी के टाइम पे पानी को गर्म करने का हम लोग यूज करते हैं, जहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है वहां पर भी है माइक्रोब्स हो सकता है। एनिमल गीजर जहां पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इनसाइड लेयर ऑफ स्नो ऑन लैंड, तो जहां पे बर्फ के बहुत बड़ी मोटी परत जमी हुई है, यानी जब बर्फबारी होती है तो उस एरिया में भी कोई ना कोई माइक्रोब्स होते हैं, उस स्नोफॉल में भी माइक्रोब्स हैं। तो आप ये देखो कि माइक्रोब्स का सर्वाइवल, इसीलिए कह रहे हैं कि माइक्रोब जो है वह सभी जगह है। तो माइक्रोब्स जो है वह माइक्रोब्स आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली
लिंक विथ ह्यूमेन डेली लाइफ। तो माइक्रोब जो है वह ह्यूमन के डेली लाइफ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों रूप से क्या है, यह लिंक है। आज हम लोग इस चैप्टर में 5 पार्ट को अलग अलग करके देखेंगे। तो एक्चुअल में इन दिस चैप्टर इंक्लूड फर्स्ट पार्ट देखेंगे हम लोग माइक्रोब्स इन जो ह्यूमन वेलफेयर है हमारा, या हमारा जो डेली लाइफ के जो यूजेज हैं, तो वहां पर माइक्रोब्स का जो है वह क्या रोल है, इस चीज को देखना है। तो माइक्रोब्स का रोल हम अपने डेली लाइफ में यानी ह्यूमन वेलफेयर में क्या रोल है वो देखेंगे। माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसा क्या प्रोडक्ट मिलता है उसको देखेंगे। माइक्रोब्स एज ए सीवेज ट्रीटमेंट में क्या रोल प्ले करता है। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, तो बायोगैस के प्रोडक्शन में माइक्रोब्स क्या रोल प्ले कर रहा है। और माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, तो माइक्रोब्स को एज ए बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या है, माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स। हाउसहोल्ड प्रोडक्ट का मतलब कि अपने घर के डेली के चीजों में जो माइक्रोब्स का रोल है, आप इडली डोसा बनाते हैं, ठीक है, वहां पर ब्रेड बनाते हैं घर में, वहां पे माइक्रोब्स का रोल है। तो ये जितने भी कर्ड बनाते हैं हम लोग, कर्ड में क्या करते हैं, मिल्क में इनोकुलम या जो थोड़ा सा दही का पानी है वो डालते हैं, वो क्या करता है, रात भर में कर्ड बना देता है। तो वह भी एक टेक्निक है, ट्रेडिशनल टेक्निक है, लेकिन वह भी एक टेक्निक है। तो ये सब जो है वह हाउसहोल्ड प्रोडक्ट में आएंगे। फिर देखिए माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, फिर है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, फिर माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। तो ये 5 कोर्सेस को हम लोगों को कवर करना है, ठीक है। तो अब इसी को 1 by 1 करके हम लोग देखेंगे। तो जैसे हाउस होल्ड में हम लोग क्या देखेंगे, तो हाउस होल्ड में कर्ड कैसे बनता है, चीज का कैसे बनाते हैं, कौन कौन वैरायटी के चीज होते हैं वो चीज, फिर साथ ही साथ जो ब्रेड है, ब्रेड के बाद में टॉडी है, ईटीसी जो है वो हम लोग इसमें देखेंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में जो भी हम लोग अल्कोहल फर्मेंटेशन इंडस्ट्री के थ्रू बियर वाइन विस्की ये सारा चीज जो होता है उसको देखते हैं। उसके बाद जैसे एंटीबायोटिक्स, ये सारा चीज जो है वह हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में देखते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट में यानी कि जो गंदा पानी यानी जो ड्रेनेज वाटर है उसको हम लोग ट्रीटमेंट करके नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो माइक्रोब्स का यूज करते हैं, तो वह होता है सीवेज ट्रीटमेंट यानी प्राइमरी स्लज सेकेंडरी स्लज। तो जो स्लज होते हैं उनको ट्रीट करने का काम हम क्या कौन कौन से माइक्रोब्स का यूज करते हैं वो हम लोग इसमें देखेंगे। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस आप जानते हैं, तो बायोगैस एक मिक्सचर गैस है, तो वहां पे काउ डंग वगैरह या एनिमल मैन्यूअल को लेकर के हम लोग और उसको एनारोबिक कंडीशन में क्या करते हैं, बंद करके छोड़ देते हैं, तो उससे जो गैस का प्रोडक्शन होता है तो वो बायोगैस में है। तो इसमें जो माइक्रोब्स हम लोग उस बायोगैस के लिए करते हैं वह इसमें हम लोग देखेंगे। और एज ए बायो फर्टिलाइजर, तो जो भी बैक्टीरिया है जैसे नॉस्टॉक हो गया ना, बीएना हो गया, तो ये सब एंटू फिक्सेशन करते हैं या कुछ ऐसे जो एज ए फर्टिलाइजर के रूप में काम करते हैं वो सारा चीज हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे कौन सा, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट।
ये माइक्रोब्स है हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में ये देखिए कि सबसे पहले हम लोग क्या है, तो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कॉमन हाउस होल्ड प्रोडक्ट के रूप में कर्ड हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तो कर्ड कैसे बनता है, कर्ड हम लोग तैयार करते हैं कि मिल्क में हम लोग कुछ इनोकुलम या फिर जिसे हम दही कहते हैं, थोड़ा सा दही का पानी या दूध में थोड़ा हल्का सुसुम पानी, दूध को थोड़ा हल्का गर्म करके और उंगली डाल के हम लोग नोटिस करते हैं कि दूध कहीं ज्यादा तो गर्म नहीं है। ज्यादा गर्म नहीं का मतलब कि बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेल्सियस, बैक्टीरिया का ग्रोथ करने का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम दूध में उंगली डालते हैं और वो हमें ज्यादा गर्म नहीं लग रहा है, मतलब कि वो लगभग लगभग 37-38 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो जब हम उसमें बैक्टीरिया को डालते हैं तो उस टेम्परेचर में बैक्टीरिया बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो ये जो चीज हुआ, ये एक जनरल टेक्निक हुआ, इसमें कोई ऑपरेटर्स, कोई लैबोरेटरी कंडीशन या किसी चीज को लगाने की इसमें जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये जो है बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है, आज से नहीं, ये सब जो चीज है कर्ड का या चीज का भी मार्केट में, चीज आज फेमस हुआ है लेकिन चीज का प्रोडक्शन बहुत सालों से हो रहा है, फेमस आज हुआ है खास करके इंडिया में, तो ये सब चीज जो है यूज करना हम लोग आज सीखे हैं, बट ऐसा नहीं है, ये सब जो है वो पहले से यूज हो रहा है। देखिए तो लैक्टोबैसिलस, यानी सभी लोग जानते होंगे लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमन लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमन बैक्टीरिया आर यूज विच इज नोन एज LAB, यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। LAB का मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में हम लोग ये बात करते हैं। अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया काम क्या करता है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वह मिल्क के जो पार्ट है, यानी मिल्क में वह लैक्टिक एसिड को सिक्रीट कराया करके और उसके प्रोटीन को डिग्रेड करने का काम, यानी डाइजेस्ट करने का काम करता है, जिससे जो मिल्क है वो कोएगुलेट कर जाता है और कर्ड के रूप में वो कन्वर्ट होता है। तो मिल्क के शुगर को, कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को वो क्या करता है, उसको यूज करके उसको पार्शियली डाइजेस्ट करने का काम करता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड डैट पार्शियली डाइजेस्ट दी मिल्क प्रोटीन एंड मिल्क कोएगुलेंट टू कन्वर्ट कर्ड। तो जो मिल्क है वो कोएगुलेंट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो मिल्क जो है वो कन्वर्ट होकर के कर्ड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखते होंगे मिल्क पूरी तरह से क्या है, मिल्क पूरी तरह से लिक्विड है लेकिन कोएगुलेंट होकर के वो क्या हो गया है, कर्ड के रूप में वो कन्वर्ट हुआ। कैसे, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें इनोकुलम का मतलब ऐसे हम लोग हिंदी में जोरन भी बोलते हैं उसको, बट एक्चुअल प्रॉपर वर्ड जो होता है वो इनोकुलम। इनोकुलम का मतलब हुआ कि कर्ड का पानी या कर्ड का थोड़ा सा पार्ट, इनोकुलम
विनोकुलम का मतलब कर्ड वाटर और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिक्स्ड विथ मिल्क एंड प्रोवाइड प्रॉपर टेम्परेचर एंड प्रोवाइड प्रॉपर टेम्परेचर टू ग्रोथ ऑफ एलईबी टू ग्रोथ ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डेट कन्वर्ट मिल्क टू डेट कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड। कहने का मतलब कि जितना ज्यादा एलईबी का ग्रोथ होगा, हमने मिल्क में थोड़ा सा एलईबी डाल दिया, और एलईबी कैसे डाला है तो इनोकुलम हम लोग बोलते हैं जो थोड़ा सा डाइल्यूटेड पार्ट बनाते हैं, यानी कहीं से हम लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को लिए और उसमें थोड़ा पानी मिक्स कर दिया, जिसकी वजह से वह और तैयार हो गया, ज्यादा हो गया। हाईली कंसेंट्रेटेड नहीं यूज करते हैं हम लोग, थोड़ा सा करते हैं। तो जितना ज्यादा ये ग्रोथ करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा, जितना ज्यादा लैक्टिक एसिड बनेगा उतना ज्यादा मिल्क जो है वह कर्ड में तेजी से क्या होगा कन्वर्ट कर जाएगा। इसमें दोनों चीज को ध्यान देना पड़ता है, ठंडी के टाइम पे दही कभी कभी नहीं जमता, या आप मिल्क को मिल्क में कर्ड मिला के फ्रिज में रख दो, वो सही से दही नहीं जमेगा, वो दूध बर्बाद खराब हो जाएगा, दही नहीं जम पाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर टेम्परेचर यानी थोड़ा सा गर्माहट उसे मिलेगी तभी जाकर के वह सही से ग्रोथ करेगा, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेगा तो वो मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा। अब मिल्क कर्ड जो होता है, कर्ड इज मोर न्यूट्रिशियस देन मिल्क इट हैज मोर विटामिन B12। कर्ड में जो है मिल्क से विटामिन B12 भी क्या होता है वह ज्यादा बनता है, ज्यादा रहता है। तो और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्ले मेजर रोल टू प्ले मेजर रोल हमारे स्टमक में कोई डिजीज है कि नहीं है, प्ले मेजर रोल टू डिटेक्ट डिजीज इन स्टमक। क्यों? क्योंकि हमारे स्टमक यानी इंटेस्टाइन में भी क्या होते हैं, विटामिन B12 बनता है, और B12 बनाने के लिए वहां पर भी बैक्टीरिया है, तो उनसे इंटरेक्शन करके यह डिटेक्ट करता है कि हमारे स्टमक में कोई डिजीज है कि नहीं है। तो इसका एक मेजर रोल, यह भी एक इंपॉर्टेंट रोल कहें या फिर इसका हम लोग एक मेजर रोल कहें, यह भी माइक्रोब जो है वह अच्छे से पूरा करता है। अब आइए चीज के बारे में, सेकेंड जो हुआ वह चीज जो है यह एक ओल्डेस्ट प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं कि चीज आज का है, या चीज इज ओल्डेस्ट फर्मेंटेड प्रोडक्ट, चीज इज ओल्डेस्ट फूड आइटम या ओल्डेस्ट प्रोडक्ट है जहां पे माइक्रोब्स का हम लोग यूज करते हैं। चीज इज ओल्डेस्ट प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड बाई माइक्रोब्स, जो
माइक्रोब से क्या हुआ है तैयार करते हैं हम लोग। चीज में हम लोग कौन कौन से माइक्रोब का यूज जो है वो रोल प्ले करता है चीज को बनाने के लिए, तो चीज को बनाने के लिए पेनिसिलियम वगैरह का जो है वो ज्यादा यूज करते हैं। पेनिसिलियम सर्मी, पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी, रोकीफोर्ट, तो ये सब जो है वो अलग अलग तरह के चीज को बनाने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि चीज का जो कैसिंग प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करके यानी खा करके और जो मिल्क में जो कैसिंग प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने के बाद जो फर्मेंटेड होकर के जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज द चीज। तो चीज जो है वो एक अच्छा वेराइटीज है और चीज में जो फैट और कैसिंग है वो पार्शियली डिग्रेड होता है। चीज इज formed by partial degradation of fat and protein, fat and casein protein खास करके कैसिंग को हम लोग बोलते हैं मिल्क प्रोटीन, डिग्रेडेशन ऑफ फैट एंड कैसिंग ऑफ मिल्क, दी टेस्ट फ्लेवर एंड टेक्सचर ऑफ चीज डिपेंड्स ऑन द टेस्ट फ्लेवर एंड टेक्सचर ऑफ चीज डिपेंड्स ऑन यूज ऑफ माइक्रोब्स फॉर चीज प्रोडक्शन। तो कौन सा चीज बनाने के लिए हम लोग कौन सा माइक्रोब्स का यूज किए हैं, जिस माइक्रोब्स का यूज करेंगे उससे अलग तरह का फ्लेवर का अलग टेक्सचर का हमें क्या मिलेगा, चीज मिलेगा। तो यह चीज को हम थोड़ा देखना है। अब आइए जैसे देखते हैं हम लोग पूरे वर्ल्ड में स्वीस चीज बहुत फेमस है, उसमें लार्ज होल होता है और स्वीस चीज किससे कौन से माइक्रोब से बनता है, तो स्वीस चीज जो है वह बनता है पेनिसिलियम सर्मी से। तो ये अलग अलग जो है वह चीज है, वैरायटी है और उसके कुछ जो है वह नाम को हम लोगों को भी जो है वह देखना है। तो जैसे स्वीस चीज हम लोग बोल रहे हैं और प्रोपियोनिक बैक्टेरियम से, ये प्रोपियो बैक्टेरियम सर्मी से तैयार होता है। रोकीफोर्ट चीज है, देखिए स्वीस चीज विथ लार्ज होल स्वीस चीज विथ लार्ज होल फेमस फॉर देयर टेस्ट एंड टेक्सचर, ठीक है। स्वीस चीज ऐसे वर्ल्ड में फेमस है, खास करके चीज वगैरह यूरोपियन कंट्री का बहुत ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो लोग इसको बहुत पहले से बहुत अच्छे से पुराने तरीके से यूज करते आ रहे हैं, इसमें बहुत सारे काम भी किए हैं। तो स्विट्जरलैंड का चीज हो गया, डेनमार्क का हो गया, खास करके यूरोपियन कंट्री का चीज में बहुत अच्छा रोल होता है।
इटली वगैरह में भी चीज बहुत ज्यादा लार्ज पैमाने पे, स्विस चीज हो गया, इटलियन चीज हो गया, डेनमार्क का चीज हो गया, तो वहां पे अलग अलग तरह के अलग अलग टेक्सचर के जो है बहुत सारे चीज बनाए जाते हैं। विच इज राइपेंड विद द हेल्प ऑफ प्रोपियोनी बैक्टेरियम हाँ, विद द हेल्प ऑफ प्रोपियोनी बैक्टेरियम। फिर रॉकी फोर्ट चीज होता है, ठीक है, तो अलग अलग है। फिर नाम की जो चीज जो है वो हम लोग ये देख रहे हैं, ऐसे पूरा नाम प्रोपियोनी बैक्टेरियम सर्मी है, SHARM II सर्मी, तो प्रोपियोनी सर्मी या प्रोपियोनी बैक्टेरियम सर्मी है, तो वो बैक्टेरिया है इसलिए बैक्टेरियम लगाया गया है। रॉकी फोर्ट चीज एक होता है, तो ये जो है रॉकी फोर्ट चीज जो है वो किससे तैयार हुआ है, तो पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी से, इसीलिए इसका नाम रॉकी फोर्ट पड़ा है। पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी, इसके बाद में है पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी, उसके बाद में है कैमेम्बर्टी से जो बनता है, कैमेम्बर्ट चीज जो है वो पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी। अब देखो ये हुआ टाइप्स ऑफ चीज जो है वो थ्री टाइप्स के हैं। एक होता है सॉफ्ट के बाद सेमी और थर्ड में हो गया हार्ड। तीन अलग अलग तरह के चीज होते हैं। सॉरी, ये तीन अलग अलग टाइप के जो चीज है वो हम लोग देख रहे हैं। एक हो गया सॉफ्ट, तो सॉफ्ट में लगभग 50 to 70% वाटर होता है। सेमी में लगभग 40% से ज्यादा वाटर होता है, और इसमें हार्ड में less than 40% वाटर होता है। तो ये तीन टाइप्स के चीज जो है वो मार्केट में सबसे ज्यादा ये सब परसेंट में है, ये भी परसेंट में है, तो एक में 80% तक भी जाता है, इसमें 45% और इसमें 40-40 या वहां पर less than 40 यहां पर ग्रेटर देन यानी 45% तक कर लीजिए, इसमें इतना वाटर होगा। तो ये जो है वो एक चीज का हो गया। चीज के बाद में है ब्रेड, ब्रेड प्रिपेयर फ्रॉम डग। डग का मतलब होते हैं कि जो मैदे को हम लोग मैदा से या फिर जनरली मैदे से ही तैयार करते हैं,
तो मैदे को हम लोग थोड़ा फर्मेंट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो वो जो मैदे को हम लोग फर्मेंट होने के लिए जो छोड़ते हैं तो दैट इज द डव विच इज फर्मेंटेड बाय ईस्ट, और ईस्ट में भी कौन सा, साइक्रोमाइसिस सेरिबेसी। साइक्रोमाइसिस ईस्ट, साइक्रोमाइसिस सेरिबेसी, साइक्रोमाइसिस सेरिबेसी। तो उससे हम लोग फर्मेंटेशन करा करके ये तैयार करते हैं। देखिए होता क्या है कि जो ब्रेड होता है वह ब्रेड को जो हम लोग फर्मेंटेड होने के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें स्वेलिंग हो जाती है। तो जो डग में स्वेलिंग होता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, दिस इज ड्यू टू द CO2 रिलीज ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। डग आर स्वेल ड्यूरिंग ब्रेड मेकिंग ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2 बाई फर्मेंटेशन। बाई तो जब फर्मेंटेशन होगा किसके थ्रू, ईस्ट के थ्रू, तो वह होता क्या है, ये सारा चीज आप पढ़ चुके हैं। क्यों फर्मेंटेशन में CO2, तो ग्लूकोज आप जानते हो, ग्लूकोज जब एनारोबिक कंडीशन में यानी यहां पर जब ईस्ट के बॉडी के अंदर अगर होगा तो वो क्या रिलीज करता है, तो वह रिलीज करता है इथेनॉल प्लस CO2। तो ये जो CO2 गैस है वह मिक्स हो जाता है किसके साथ, तो वह CO2 जो है वह मिक्स होता है आपका ब्रेड ये डग के साथ, जिसके वजह से एयर मिक्स हुआ तो वो क्या हो गया, फूल गया यानी फैल जाता है। तो ये बात आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है। तो उसी को हम लोग करते हैं पफ ऑफ अपीयरेंस, दिस इज पफ ऑफ appearance, यही पफ ऑफ appearance है, ठीक है। और swelling डग जो है वो उसको हम लोग कहते हैं लिवनी, द swelling ऑफ डग इज कॉल्ड लीवनिंग, द स्वेलिंग ऑफ डग इज कॉल्ड लीवनिंग, यानी उसको हम लोग लीवनिंग उस प्रोसेस का नाम हुआ जिसके थ्रू ये होता है। और ये तीन एंजाइम के वजह से ऐसा होता है, जो फर्मेंटेशन हो रहा है, जो ब्रेड का फॉर्मेशन हो रहा है वह तीन एंजाइम के सेक्रेशन की वजह से होता है। क्या यहीं से कर लिख देते हैं हम लोग, दिस इज ड्यू टू सेक्रेशन ऑफ थ्री एंजाइम्स। वो एंजाइम्स तो कौन से हैं, तो एक माल्टेज, माल्टेज आप जानते हैं कि वह माल्टोज को ब्रेक डाउन करता है, अमाइलेज और जाइमेज। माल्टेज, अमाइलेज एंड एंजाइमेज, ये तीनों एंजाइम का जो है वह यूज करके ये काम करता है। अब आइए ब्रेड हो गया, ब्रेड के बाद में डोसा और इडली के लिए जो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, डोसा और
इडली। तो डोसा और इडली के लिए जो हम लोग फ्लोर तैयार करते हैं यानी आटा जो तैयार करते हैं यह फर्मेंटेशन प्रिपरेशन ऑफ राइस एंड ब्लैक ग्राम फ्लोर से होता है। तो हम लोग फर्मेंटेशन कराते हैं इसके फ्लोर ये जो पार्ट जो है जिससे हम लोग इडली या डोसा बनाते हैं। फर्मेंटेशन इन राइस एंड ब्लैक ग्राम फ्लोर, तो वो चीज में हम लोग उसको पीस करके और उसमें फर्मेंटेशन का जो है वो प्रोसेस कराती है और किसकी वजह से तो ल्यूकोनोस्टर कैन स्ट्रेप्टोकोकस स्पेसीज ऑफ बैक्टीरिया सर्वाइव के थ्रू। ब्लैक ग्राम फ्लोर फर्मेंटेशन इन राइस एंड ब्लैक ग्राम फ्लोर बाय बैक्टीरिया ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकोकस स्पेसीज। तो ये दोनों जो है ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकोकस स्पेसीज के जो बैक्टीरिया हैं उससे हम लोग ये दोनों काम जो ये दोनों का यूज करते हैं इसके फ्लोर में फर्मेंटेशन कराने के लिए। ठीक है, अभी आप लोग हमसे डरेंगे नहीं, एक बार छींक आ गई, दो बार खांसी आ गया और ये सारे सिम्टम्स, अभी तुरंत मेरी ट्रैवल हिस्ट्री की है तो इतना जल्दी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। तो आप लोग थोड़ा सा इस तरह से तुरंत मेरे बारे में जो कुछ प्यास लगाने की जरूरत नहीं है, जहां तक मुझे अभी लग रहा है कि आई एम फिट एंड फाइन, नो एनी सिम्टम्स फॉर डॉट डॉट डॉट, आप समझ सकते हैं डॉट 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 का मतलब। ठीक है, तो ये जो है वो इडली डोसा जो है वो इसी से तैयार फर्मेंटेशन करा के हम लोग तैयार करते हैं। अब एक है टॉडी। टॉडी जो है वो ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया का। टॉडी इज ए ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया, सम रीजन ऑफ साउथ इंडिया या लगभग मैक्सिमम रीजन ऑफ साउथ इंडिया का यह क्या है, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। और ये जो है वो फर्मेंटेशन सैप फ्रॉम पाल इट एंड इज मेड बाय फर्मेंटेशन सैप एंड इज मेड बाय फर्मेंटेशन सैप फ्रॉम पाल ट्री। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा ताड़ी वगैरह को फर्मेंटेशन कर करके ये सब जो आप देखते हैं तो उसी से तैयार किया जाता है। ये बहुत फर्मेंटेशन ही का ही सब पार्ट है फ्रॉम सैप पाल ट्री। और इसमें जो हम लोग माइक्रोब्स जो है वो ज्यादातर जो इसके लिए हम लोग टॉडी के लिए वो यूज करते हैं तो कैरियोटा यूरेन्स जो है ज्यादातर यूज करते हैं। कैरियोटा यूरेन्स URE इज यूज। ठीक है, टॉडी। अब टॉडी के बाद में कुछ अदर फूड, अदर फूड यानी कि जो भी अदर फूड है वह भी फर्मेंटेशन के थ्रू बना हुआ ही वह फूड है। ओके, तो ये अदर फूड का मतलब वह फर्मेंटेड फूड ही है। तो इसमें भी जो फर्मेंटेशन हम लोग करते हैं वो सोयाबीन को और वीट को यानी कि गेहूं के फ्लोर को मिक्स करके हम लोग ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस कराते हैं। तो माइक्रोब्स ये जो है यूज फॉर फर्मेंटेशन फीस में का भी हम लोग करते हैं। माइक्रोब्स
microbes are also used in fermentation of fish and shoot of बांबू। बहुत सारी जगह पे बांबू की सब्जी बना के खाई जाती है, जो एकदम छोटा वाला बांबू आता है ना, उसकी गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा रखा है, तो उसको आप ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि उससे बांबू का प्रोडक्शन बहुत कम हो जा रहा है। तो और बांबू आप लोग बांबू से जो कॉपी बुक्स पेज वगैरह जो है वो उससे ही तैयार होते हैं। तो ये जो प्लांट है उसी से हम लोग पेपर, इसलिए गवर्नमेंट मैक्सिमम चीज ऑनलाइन करने का मतलब पेपरलेस वर्क, जितना ज्यादा से ज्यादा पेपर का यूज हम लोग कम करें, बर्बादी कम करें, वही हुआ पेपरलेस वर्क। ठीक है, जिससे ये जो प्लांट है वो सेव होते हैं। तो कहते हैं सेव ट्री सेव लाइफ। जितना पेड़ को आप जिंदा रखेंगे उतना जीवन जिंदा होगा। तो ये जो है वो तो खैर ऐसे की बातें हैं, जैसे आप लोग देखिए सोयाबीन प्लस वीट हम लोग इसको फर्मेंटेशन करते हैं, सोयाबीन और इसमें फर्मेंट, ये हो गया हमारा फर्मेंटेशन हम लोग इसमें कर दिए। तो सोया सॉस या ब्राउन फ्लेवर सॉल्टी सॉस इसी से आता है हमारा, सोया सॉस और ब्राउन फ्लेवर फ्लेवर सॉल्टी सॉस, और इसी को हम लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं। तो ये एक जगह टेम्पे टेम्पे जैसे जापान या इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया। तो यहां पर क्या करते हैं, सोयाबीन के फ्लोर को और वीट के फ्लोर को, सोया सॉस आप लोग जानते हैं चाइनीज फूड वगैरह बनाने में जो है वो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ये जो है अलग अलग कंट्री में इसी का अलग अलग नाम है। तो टेम्पेन टोफू सोफू टेम्पेन टोफू टोफू और सोफू इंडोनेशिया में हम लोग कहते हैं टेम्पेन, टोफू है जो जापान में है, और सोफू जो है वह चाइना में है। तो ये अलग अलग कंट्री में इसी का अलग अलग हम लोग नाम देते हैं। अब कुछ ऐसे माइक्रोब जिसका हम लोग कुछ ऐसे प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट के लिए जो माइक्रोब का हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग ये नोट डाउन करेंगे। तो सम माइक्रोब ऑफ कॉमनली यूज इन माइक्रोब्स कॉमनली यूज इन डेयरी, सम माइक्रोब कॉमनली यूज इन डेयरी। तो इस चीज को हम लोग अब एक जगह कर लेंगे, जैसे कर्ड हो गया, योगर्ट हो गया, योगर्ट बटर मिल्क क्रीम कैमेम्बर्ट चीज कैमेम्बर्ट चीज
तो अब इसके लिए कर्ड, कर्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। योगर्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस, लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। फिर बटर मिल्क, बटर मिल्क हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस क्रेमोरिस, स्ट्रेप्टोकोकस क्रेमोरिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। फिर उसके बाद में सॉ क्रीम एस लैक्टिस यानी स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, और ल्यूकोनोस्टोक क्रेमोरिस, क्रेमोरिस। फिर कैमेम्बर्ट चीज के लिए पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी, जो हम पहले पीछे भी लिखवाए हैं, ये एक जगह डेयरी प्रोडक्ट के लिए हमने इसको आपको एक जगह नोट डाउन कर दिया। तो ये हमारा जो है एक पार्ट कंप्लीट हो गया, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद में है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्री के लेवल पे कौन कौन से माइक्रोब्स का यूज करके और कौन कौन से प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, तो उसमें हम लोग एंटीबायोटिक्स वगैरह से लेकर जितने भी चीज है वो सारी चीज को देखेंगे, तो उसको हम लोग आगे कवर करेंगे। ओके।